भारत ने बुधवार को कनाडा के लिए कुछ कैटेगरी में वीजा सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। फिलहाल एंट्री वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा और बिजनेस वीजा कैटेगरी में ही बहाली की गई है। चंडीगढ़ से आ रही इन तस्वीरों में लोगों को हाथ में अपने जरूरी कागजात लिए देखा जा सकता है। लोग खुश हैं कि अब वे अपने परिजनों से मिल सकेंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, तो शुरू हो गया काम। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जी, जो वीजा खोल दे, सारे बच्चे अपने सेट हो जाए, ठीक है जी। ते मैं टूरिस्ट वीजा जा रहा जी, मेरी बेटी कनेडा जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी बच्चे को मिलने जा रहा जी, उसको, हाँ जी, हाँ जी, खुल गया, बहुत बहुत वधिया हो गया जी। ते मेरी बेटी नूं डिग्री मिली आ, उहदे वास्ते आपां जा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, पहले बंद था, अब खुल गया, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत वधिया बात है जी। सरकार ने जो वीजा खोल दिया है, बहुत सरकार का धन्यवाद, बहुत अच्छा है। जेडे बंदे उधर साडे हैगे आ, जद मेडिकल वगैरा उन्हें आना हैगा, इधर आके अपने दवाई दारी लै सकदे हैगे आ। ते चार वीजे उन्हें खोले, जेडे चार कैटेगरी दे वीजे खोले आ, असीं सरकार दा, सेंटर सरकार दा, मोदी सरकार दा बड़ा धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग सारे साडे इंडियन जो भी रुके हुए आ काफी चिर तो, वो इंडिया आ सकते हैं, ते अपना आके ते जो भी इन्हां दा कारोबार आ कर सकते हैं जी। गौरतलब है कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था, जिसके बाद कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने 21 सितंबर को वहां वीजा सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी थी। एक महीने से ज्यादा समय से बंद पड़ी वीजा सेवा की अब बहाली का फैसला किया गया है।